अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको टूर कराऊंगा स्वात का, जिसको के पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। और ये टूर मेरा बहुत ही खास टूर है, क्योंकि ये मैं अपने बचपन के फ्रेंड्स, जो मेरे स्कूल फ्रेंड्स हैं, मैं उनके साथ कर रहा हूँ। तो तीन मेरे स्पेशल दोस्त हैं, आपको मिलवाते हैं उनसे। ये अजीज फहीम साहब सामने हो, हेलो, उनके साथ बैठे हैं मोहसिन रजाक और मिर्ज़ा मोहम्मद इनाम कुदसी साहब, और ये हमारे अंकल हैं चाचू सलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो अभी हम स्वात जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आपसे वहाँ पे मुलाकात होती है। मोटरवे पे जा रहे हैं, और जैसे जैसे हम स्वात की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और जो व्यू है ना, कमाल का होता जा रहा है। ऐसा व्यू फर्स्ट टाइम आए हैं और दिल खुश हो गया अभी से। तो आगे जाएंगे तो क्या होगा, बहुत मज़ा आएगा। हम इंजॉय कर रहे हैं फंसे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्वात म्यूज़ियम में, और यहाँ पे इनकी गंदारा तहजीब की काफ़ी चीज़ें पुरानी, जो उन्होंने खुदाई की उसके दौरान मिली, तो उन्होंने रखी हुई हैं। म्यूज़ियम के अंदर जाने की इजाज़त तो है, लेकिन उधर फोटोग्राफी वगैरह और वीडियो वगैरह की इजाज़त नहीं है, तो इस वजह से वीडियो नहीं बना सकते। बाकी ये है कि आउटसाइड आप वीडियोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। तो अभी बस थोड़ा सा हमारा स्टे है इधर, उसके बाद नेक्स्ट हम व्हाइट पैलेस का रुख करेंगे।
इस वक्त मैं पहुंचा हूं वाइट पैलेस, और काफ़ी अट्रैक्टिव जगह है, खूबसूरत जगह है, बिल्कुल पहाड़ों के दरमियान में है, और तकरीबन तीनों तरफ चारों तरफ से ये पहाड़ों में गिरा हुआ है, और यहाँ पे काफ़ी इनकी कल्चरल चीज़ें अवेलेबल हैं, कल्चरल ड्रेसेस और बाकी जो इनके ज्वेलरी वगैरह हैं वो काफ़ी चीज़ अवेलेबल है। ये मेरे पीछे आप शॉप चेक कर सकते हैं, तो काफ़ी कलरफुल हैं ये सारी चीज़ें। इसके अलावा ये एक नीचे छोटा सा फैमिली होटल बना हुआ है, फैमिलीज बैठ सकती हैं, खाना वगैरह अगर आप खाना हो आपने, और ये कुछ शॉप्स हैं साथ, काफ़ी कलरफुल चीज़ें हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा। और ये साथ ही एक छोटी सी नदी बह रही है पहाड़ों में से, जो पानी वगैरह आपको आवाज़ सुनाई दे रही होगी। वाइट पैलेस के अंदर मैं मौजूद हूँ, और सिर्फ जस्ट कुछ रूम्स बने हुए हैं, और एक जो इन्होंने रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, इसके अलावा तो इधर कुछ भी नहीं है, रेस्टोरेंट है, रूम्स हैं, जस्ट ये है कि एक बिल्डिंग है अच्छी, काफ़ी पुरानी बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये चीज़ है, बाकी रूम्स ही हैं। ये है कि इनकी कुछ पुराने ज़माने की तलवार लटक रही है, उनके किसी बादशाह की होगी, तो यही है यहाँ पे। ये जो आप देख रहे हैं ये उस वक्त के बादशाह का टेबल था, किंग्स टेबल, वो बादशाह ये टेबल यूज़ करते थे, और ये जो कुछ सोफे टाइप बने पड़े हुए हैं ये भी यूज़ होते होंगे तब उस टाइम। इसके अलावा यहाँ पे ये एक घड़ी पड़ी हुई है, एक काफ़ी अच्छी बनी हुई है ये, एक चीज़ जो यहाँ पे मज़े की है वो ये कि यहाँ पे ना स्वात के कल्चर को काफ़ी अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है, काफ़ी इधर शॉप्स बनी हुई हैं। ये अगर आप वाइट पैलेस के अंदर आएँ तो ये भी एक काफ़ी कलरफुल शॉप है, जहाँ पे आप अपनी फैमिलीज़ के लिए अपने लिए कुछ ख़रीदना चाहें तो आप ख़रीद सकते हैं। दिस इज़ द, ये यहाँ पे कुछ आर्ट पीस पड़े हैं, और मेड ऑफ वुड हैं, काफ़ी अच्छे हैं ये। दिस इज़ एलिफेंट, बिल्कुल इसी तरह इनके पुरानी तहजीब में अगर आप देखें तो, जब हम सवात म्यूज़ियम में देखे थे गए थे तो तब बिल्कुल ऐसी चीज़ें पड़ी हुई थी, बिल्कुल इसी तरह, तो ये उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई है यहाँ पर।
ना ब्राउन होल्स। आज आज आपकी बना रहे हैं यार। ओ डर गई, डर गई। आ ये टूटा लग गई पड़ेगा, ये टूटा लग गई। चल बस कर, टीवी पे आओगे दोनों, टीवी पे आओगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। क्या हाल है? कर लेंगे। अच्छा यार, कोई प्राइस वगैरह बताएं ना, ये क्या कीमत है इनकी? एक कैब की बताएं जी। ये जो कैप है कौन सा वाला? इसमें मुख्तलिफ स्टेप है, तकरीबन 3-4-5 किस्म के स्टेप है इसमें अभी। अच्छा, मौजूद है ना इसमें तो बहुत सारा नॉर्मल से स्टेप की बता ना। इसकी कीमत बता दे, क्या कीमत है? 250 रेड भी है इसमें, 300 वाले भी है, 350 भी है, इसमें मुख्तलिफ होता है ना। जब ये जो लगा हुआ है, आप इसको क्या कहते हैं? पर मोर का पर, मोर का पर, ये जो लगा है इसके वजह से तकरीबन 200-300 रुपए इसका अलग होता है। ये दिखाएं जरा, ये मोर पंख लगा है ये वाला। ये किस तरह लगाया है जी आपने? ऐसे स्टेपल कैसे लगाया है? ये स्टेपल है, सैंपल होता है, स्टेपल। नाम ट्राई कर यार, मेरे साथ पूरी नहीं है। सही है। शाल, ये शाल है मेरा अपना बनता है इस्लामपुर में, मेरा अपना फैक्ट्री है। अच्छा, ये हैंडमेड का शाल है और हैंडमेड कढ़ाई है। अच्छा, ये फिर हम लोग बहुत मुनासिब रेट पर देते हैं। इधर हमने ये शॉप मेहमानों के लिए खोला है। सही। ये जो रेट हम लोग इस इधर एक मतलब एक पीस भी मतलब किसी को देता है ना, तो वो भी होल सेल के रेट पर देते हैं। अच्छा, 1000-2000 दाने के हिसाब से वो हम लोग एक पीस भी देते हैं। हाँ जी, ये एक पीस कितने का? ये एक पीस बहुत मुनासिब हम देता है, तकरीबन जो मार्केट में इसका रेट होगा 2000 रुपए या 2500 रुपए। हम इधर इसको मुनासिब, बहुत मुनासिब देगा, मतलब होलसेल के रेट पर। सही, होलसेल। तो ये होलसेल के रेट में अभी ये 72 में है ना, तो ये अभी हम लोग बेचते हैं 1500 रुपए। हाँ जी, ये 72 में है, फेवर वूल में है ना, पाकिस्तान का अपना वूल है। हाँ जी। अच्छा, ये पाकिस्तान का होता है, पाकिस्तान का अपना वूल है और हैंडमेड है। ये हैंडमेड, हैंडमेड से कपड़ा बने हुआ, हैंडमेड से कढ़ाई हुआ। ठीक, ये आम दुकान मतलब या मतलब इस्लामाबाद में या ऐसी बड़ी बड़ी दुकान में आप इसका रेट बोलते हैं 5000-5500 इसका रेट होता है। ठीक, सही है। ये शॉल्स ही हैं इधर, और ज्वेलरी वगैरह कुछ फीमेल्स के लिए, और ये कुछ फीमेल्स के लिए आइटम्स हैं, काफ़ी कलरफुल चीज़ें। अच्छा खान साहब, माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा कारोबार। आपकी अपनी फैक्ट्री है? जी हां, मेरा फैक्ट्री। अपना फैक्ट्री है माशाल्लाह, और हैंडमेड है सारा इधर आपका? ये हैंडमेड है, और मेरा मतलब दो फैक्ट्री है। अच्छा, एक में शॉल बनता है और दूसरे में उसका धुलाई, प्रेस, रंग, हर किस्म चीज होता है। फिर एक वाले में जब वूल धागा नहीं है, जो ये आता है, तो उससे ये शॉल बनता है। तो आप ऑनलाइन ऑर्डर्स भी करते हैं? ऑनलाइन भी करते हैं, और मतलब इधर शॉप भी है। तो आप अपनी शॉप का एड्रेस? जी, मेरा नाम कलीम उर रहमान है, मैं इस्लामपुर का रहने वाला हूँ। ठीक है, ये अभी जो ये जगह है, ये वाइट पैलेस है, ठीक है। इधर मेरा शॉप का नाम, शॉप का नाम है रहमान पश्मीना मेकर। ठीक है, अपना मोबाइल नंबर बता दें। मेरा मोबाइल नंबर है 0304। ठीक, 0304 9516608 9516608। जी जी, ठीक है। ये इनकी शॉप का नेम, कॉन्टेक्ट, अगर आप ऑनलाइन डिलीवरी करना चाहते हैं इनको, व्हाट्सएप वगैरह होगा आपका? व्हाट्सएप ही है, काफ़ी अच्छा रीजनेबल प्राइस पे आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं, और हैंडमेड है, हैंडमेड है, और पाकिस्तानी वूल है। पाकिस्तानी वूल भी आते हैं, पाकिस्तानी वूल भी अपना भी होता है, चाइना वाला भी होता है। ठीक हो गया, ठीक हो गया, हो गई। शुक्रिया भाई, शुक्रिया। इस वक्त हमारा रात का खाना चल रहा है, डिनर, और हम तकरीबन टूर आज का हमारा एंड हो गया, आज का दिन तकरीबन एंड है हमारा, ये खाने के बाद हमारा एंड हो जाना है, और बस खाना आ गया है, शुरू करने लगे हैं हम।
आज हमारे स्वाट टूर का फर्स्ट दिन था और फर्स्ट दिन जो है हमारा मेरे फ्रेंड्स के साथ कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने खाना वगैरह खा लिया है, हमारा पेट फुल है। अभी हम वॉक पे जा रहे हैं, चाय पियेंगे, मज़े करेंगे, बाज़ार घूमेंगे, ठीक है। और अपने मेरे तीन फ्रेंड्स हैं, तो आपका कोई पैगाम मेरे चैनल के लिए? अस्सलाम वालेकुम भाई, ये हमारे फ्रेंड मोहम्मद अकमल चौधरी साहब हैं। प्लीज़ आप इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और शेयर भी करो, लाजमी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। फजी नीचे देख, फजी थल्ले तक, फजी थल्ले तक, थल्ले तक नीचे देख। लेट्स गो बॉय। इसे खाई में फेंक रही है, पकड़ो पकड़ो, ये दिखा दिया।